हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो 110% पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, उनको डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो पेपर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, आज का जो पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी कि BCC4। और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि पिछले 2 से 3 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और उसके साथ साथ में यहां पर आप सिलेबस भी देख पाएंगे, सिलेबस भी बताएंगे कि आपको कहां से क्वेश्चन उठाया गया है और किन किन क्वेश्चंस को आपको पढ़ करके जाना है कि आपका आंसर सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहे। डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। ये देखिए, ये खंड में बांट देते हैं, ये देख सकते हैं एक सेक्शन ए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। ये कहते हैं कि सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये कह रहे हैं कि राइट द नेचर ऑफ स्कूल लैंग्वेज। देखिए, स्कूल लैंग्वेज और होम लैंग्वेज के बारे में आपने अपने सिलेबस में पढ़ा है और उसको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया है। और मैं एक चीज़ बता दूँ एक इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन हमेशा से मैंने देखा हुआ है, ये हम क्वेश्चन हमेशा से पिछले 3 सालों से मैंने देखा है कि शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे तैयार करके जाओगे, बल्कि आप क्या तैयार करोगे, आप तैयार कर सकते हो स्कूल लैंग्वेज, जो देखिए कहाँ से उठाया है, यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज, यहीं से यहाँ पर इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है। तो आप कैसे तैयार करके जाओगे, आप ऐसे तैयार करके जाओगे कि स्कूल लैंग्वेज क्या होता है और होम लैंग्वेज क्या होता है, इस दोनों पॉइंट को अच्छी तरीके से आप पढ़ करके जाओगे। देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा हुआ है। देखिए, ये यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन, स्टोरी टेलिंग स्किल्स। स्टोरी टेलिंग स्किल्स जो है, ये कहाँ से उठाया है इन्होंने, ये क्वेश्चन उठाया है आपको मैं दिखा देता हूँ, सिलेबस में से दिखा देता हूँ। ये लास्ट यूनिट जहाँ पर है ना, स्टोरी टेलिंग स्किल्स जो है, ये इन्होंने लास्ट यूनिट से उठाया है। देखिए यहाँ पर है स्टोरी टेलिंग स्किल्स, है ना, जो है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इसे भी आपको देख के जाना है। और मैं अच्छे तरीके से बताऊँगा जब मैं इधर सिलेबस में डिस्कस करूँगा, तो अच्छे से बताऊँगा मैं आपको। फिलहाल यहां देखते हैं, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग आपको देख करके जाना है, उसके बाद में जो होता है आपका पोएम रिसाइटेशन भी देख करके जाना है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज जरूर देख करके जाना है, क्योंकि ये जो पेपर है वो लैंग्वेज का है और करिकुलम का है, लेकिन करिकुलम से ज़्यादा लैंग्वेज को पूछा जाता है, इसलिए मैं फोकस करूँगा कि ज़्यादा पढ़ करके जाना है आपको लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद आता है आपका डिफाइन लैंग्वेज। देखिए, डिफाइन लैंग्वेज, लैंग्वेज को तो अच्छे से समझ करके ही जाना है कि लैंग्वेज में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर इतना समझ में आया, अगर इन क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो आप इजिली अपना आंसर बहुत इफेक्टिव लिख पाएंगे। उसके अलावा मैं यहां पर सिलेबस में भी समझा दूंगा। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट जो सेक्शन है इन्होंने बांटा हुआ है, बी सेक्शन के नाम से बांटा हुआ है। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। ये पहला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि मीनिंग ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। देखिए, पाठ्यक्रम की भाषा का अर्थ क्या है, तो ये इसी नाम से आपका पेपर है, ये आपको पता है अच्छे तरीके से कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, और ये चीज़ मैंने आपको क्लास में भी करवाया हुआ है। उसके बाद आपका आ जाता है डिस्कस डेफिसिट थ्योरी। डेफिसिट थ्योरी मैंने आपको बताया था, है ना, डेफिसिट थ्योरी और डिसकॉन्टिन्यूटी थ्योरी, ये दोनों थ्योरी है, ये जो थ्योरी है ये आपको ज़रूर देख के जाना है, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ से इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, डिफिसिट थ्योरी और डिसकॉन्टिन्यूटी थ्योरी, ये दोनों थ्योरी मैं बताऊंगा जब मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से ज़्यादा आपको पढ़ करके जाना है। इतना आ गया, डिफिसिट थ्योरी के बारे में आप डिस्कस कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट इस तरफ में होगा फोर क्वेश्चन जो है। चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं कि डिस्कस ब्रीफली दैट हाउ लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट कैन इन्फ्लुएंस द क्लासरूम इंटरेक्शन। ये कहाँ से उठाया है क्वेश्चन, ये पहले यूनिट में से उठाया है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट जो है ये यहाँ से उठाया हुआ है। और मैं आपको बता दूँ कि पिछले 3 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा पेपर नहीं देखा जिसमें से ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद करके जाएँ। उसके बाद आता है आपका पाँचवा क्वेश्चन, ये कहते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए हुए हैं, ठीक है, तो इस प्रोविजन को एक बार शॉर्ट टर्म में देख करके जरूर जाना है। और जितना मुझसे हो सका है मैंने आपको क्लास में भी लिखवाया है, तो ये प्रोविजन भी देख करके जाना कि लैंग्वेज के बारे में कौन कौन से प्रोविजन बनाए गए हैं। इतना समझ में आ गया। तीसरा खंड इन्होंने बांटा है सेक्शन सी के नाम से, और यहां देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। 2 क्वेश्चन आपको करने हैं यहां पर, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन द बिहार स्टेट पॉलिसीज ऑन लैंग्वेज इन
एजुकेशन, ठीक है, ये जो है बिहार एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ से इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है, यूनिट थर्ड से उठाया है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी बता दूं मैं कि बिहार से रिलेटेड करके ये लैंग्वेज को, लैंग्वेज पॉलिसीज को पूछते हैं कि किस तरीके से मगधी है ना, मैथिली, उड़िया और ये भाषाएँ जो है किस तरीके से पॉलिसीज बनाई गई हैं लैंग्वेज को लेकर के बिहार में, वो चीज़ भी मैंने क्लास में डिस्कस किया है और उसी तरीके से क्वेश्चन भी यहाँ पूछे हुए हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, ये कहते हैं कि डिफाइन एजुकेशन एंड करिकुलम, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, ठीक है ना। लैंग्वेज का रोल जो होता है एजुकेशन में वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है ना। अगर लैंग्वेज नहीं होगा तो आप किसी भी एजुकेशन को नहीं सीख सकते हो, तो ये चीज़ भी आप बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दोगे, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने खुद क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि आठवां और नवां जो क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या कहा जा रहा है। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ मल्टीलिंगुअलिज्म, डिस्क्राइब मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स एंड स्ट्रेटेजी, ठीक है, एज इट इज़ वैसे ही उठा लिया इन्होंने क्वेश्चन। देखो ये कहाँ से पूछा हुआ है, यहाँ से इन्होंने पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। और ये मल्टीलिंगुअलिज्म का जो लैंग्वेज की बात है, ये बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो आप बताना मुझे, अदरवाइज आप जो है मेरा क्रैश कोर्स देखेंगे तो लाइन टू लाइन करके मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है। क्रैश कोर्स के माध्यम से सारे पॉइंट आप वहाँ से नोट डाउन करके अपना आंसर बहुत बेस्ट लिख सकते हैं। नवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय ओरल लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज, ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ओरल लैंग्वेज रिटेन लैंग्वेज इन क्लासरूम, ठीक है ना। ये कहाँ से उठाया है इन्होंने, ये जो है फर्स्ट में से ही उठाया है, देखो ओरल लैंग्वेज एंड रिटेन लैंग्वेज क्लासरूम में किस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा जो है समरी है, ये इससे ज़्यादा जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बताता हूँ कि आपको इसके अलावा ये जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या पढ़ करके जाना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो पहला यूनिट है, आप देख सकते हो पहले यूनिट में अगर चीज़ें हम देखेंगे तो यहाँ देख सकते हो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट को आपको देख करके जाना है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, क्लासरूम इंटरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बच्चों के जो सबके लिंग्विस्टिक अलग अलग होते हैं, हर बच्चा अलग अलग लेवल से अपने लैंग्वेज को लेकर के आता है और उससे क्या होता है आपका क्लासरूम इंटरेक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके तैयार करके जाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आ जाता है आपका ओरल एंड रिटन लैंग्वेज शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा बस डेफिनेशन इसका पढ़ के चले जाओगे तो बहुत है। तो ओरल लैंग्वेज क्या है, रिटेन लैंग्वेज क्या है, वैसे भी बच्चों को इतना तो पता ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इसी के साथ में आता है ओरल लैंग्वेज को और रिटेन लैंग्वेज को डेवलप कैसा किया जाएगा, ये सिंपल है, इसमें आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये कौन कौन सा है आपका, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा शॉर्ट में पूछा जाता है, तो ये जरूर पढ़ के जाओगे। दूसरा यूनिट में देखते हैं कौन सा देखना है, यहाँ पर लैंग्वेज डाइवर्सिटी को जरूर पढ़ के जाना, कि डाइवर्स ऑब्वियसली हमारा इंडिया डाइवर्स है लैंग्वेज को लेकर के, रिलीजियस को लेकर करके, है ना। तो ये डाइवर्स और मल्टीलिंगुअलिज्म जरूर को पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप यहां पर देखो, इन दोनों को पढ़ने के बाद में क्या समझने के बाद में आपको क्या पढ़ना है, देखिए होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज हमेशा पूछा जाता है, होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज शॉर्ट आंसर में पूछते हैं ये लोग। उसके अलावा एक थ्योरी है, डेफिसिट थ्योरी, जो मैंने आपको क्लास में 2 से 3 बार पढ़ाया, अच्छे तरीके से लिखवाया भी है। उसके बाद दूसरी थ्योरी है आपका डिसकंटिन्यूटी थ्योरी, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जाता है डेफिसिट थ्योरी के बारे में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कभी कभी डिस्कंटिन्यूटी की थ्योरी के बारे में पूछ लेते हैं, अदरवाइज आप जो है इसको कैसे तैयार करके जाओगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिसिट थ्योरी एंड डिसकंटिन्यूटी थ्योरी, इसको इस तरीके से तैयार करके जाओगे। और उसके अलावा जो यहां पर आपको देखना है वो प्रोविजन भी देखना है, लैंग्वेज के बारे में बहुत से प्रोविजन्स बनाए गए हैं, वैसे भी याद होंगे आपको। और उसके बाद मल्टीलिंगुअलिज्म की जो रिसोर्सेज है और स्ट्रेटेजीज जो है वो खुद मैंने आपको जो किताब कॉपी में लिखवाया है वो आपके लिए बहुत इनफ है। उसके अलावा जितने भी पॉइंट बचे हैं वो सब मैंने आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से समझाया है, वहां पर आप सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे, आपका आंसर सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब देखते हैं हमारा जो तीसरा यूनिट है, तीसरे यूनिट में कह रहे हैं कि लैंग्वेज एंड रोल ऑफ टीचर, देखिए लैंग्वेज में रोल टीचर का कितना रहता है। आपको मैंने बताया है कि लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा रोल लैंग्वेज टीचर का रहता है, ठीक है।
अब इसमें आपको क्या देख करके जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करिकुलम के बारे में जानना है अच्छे तरीके से, ठीक है। करिकुलम के बारे में अच्छे तरीके से जानना है, उसको पढ़ करके जाना है, और उसके बाद में है आपका लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रो लैंग्वेज। ये भी कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेते हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला तो आपका करिकुलम हो गया, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए वो होगा बिहार स्टेट पॉलिसीज ऑन लैंग्वेज इन एजुकेशन। ये हर बार पूछा जाता है, तो मैं कहूँगा कि आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे और इसे तैयार करके जाएंगे। तो ये दोनों हो गया, करिकुलम को अच्छे से समझ के जाना है, और दूसरा बिहार पॉलिसीज के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को किस तरीके से अप्लाई किया गया है, ये भी आपको देख करके जाना है। अब लास्ट यूनिट में डिस्कस करते हैं कि लास्ट यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। यहाँ पर है आपका लास्ट यूनिट, देखिए यहाँ पर जो लास्ट यूनिट है रोल ऑफ टीचर इन लैंग्वेज टीचिंग, बहुत बार पूछ लिया जाता है ये। तो एक टीचर का जो रोल होता है ना लैंग्वेज टीचिंग में बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो टीचर ही बताता है कि बच्चे लैंग्वेज को इस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इस तरीके से ग्रामर यूज़ करते हैं। तो टीचर का बहुत महत्व रहता है लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। उसके बाद जो है शॉर्ट में ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी ये कर देते हैं कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स किस तरीके से डेवलप करेंगे, डायलॉग स्किल कैसे डेवलप करेंगे, स्टोरी टेलिंग स्किल कैसे डेवलप करेंगे, पोएम रिसाइटिंग कैसे, शॉर्ट प्ले है ना, डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स एंड लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, वो ये है पोएम रिसाइटेशन एंड स्टोरी टेलिंग, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और दूसरा आप क्या पढ़ोगे, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन है जो बहुत ईजिली तरीके से आप जो है तैयार करके जा सकते हो, और आप अपना आंसर सबसे ज्यादा इफेक्टिव लिख सकते हो। ये था आपका पूरा कंक्लूजन, इससे कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो आपको किस तरीके से लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो आप इसे दोस्तों के साथ में शेयर सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपकी वजह से एक टीचर की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।